फिर मेरे पास दरोगा साहब का फोन आता कि हमारी बहन की बहन खत्म होगी, तुम यहाँ पे आ जाओ। हमारी बहन खत्म होगी 4 बजे और इन्होंने हमें बॉडी मतलब हमें बताया ना, सूचना दी मैं हमें 7 बजे सुबह 7 बजे हाँ के घर में। उसके पहले भैया ने फांसी लगा रखी है, वो आरिफ से मिली हुई थी, हमारा जो बहन हुई था ना वो मतलब भाभी देवर मिले हुए थे, तो छोटा देवर तो वो परेशान करता। अरे यही है भाई का मतलब है, इनके भाभी के देवर से संबंध है, देवर है भाई साहब, तंग कर रहे ये भाई साहब, ये देवर है मालूम, ये तंग कर रख रहे हैं हमारी बहनों को, तंग कर रख रहे हैं ये। इन्होंने सबसे पहले एक लड़की मार रखी, आप कुछ कह रहे हमारा कुछ क्या देगा दूल्हा, और उन्होंने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर ये लोग अब नहीं दिया गया तो लड़की को मार दिया। इसकी मांग पे लड़की को मांगती खूब मांगती, एक थोड़ी दबद हुई नहीं, जब भी लड़की जाती है जब कहते थे जो लड़की ऐसा था बिना माल के निकाह करा था, तो इस चक्कर में ये लोग कहते थे कि हर बार कि हमें माल दो हमें माल दो। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। आपका नाम क्या है? आसिफ। आप कहाँ से? फिलहाल तो यहाँ क्या मसला हुआ, किस वजह से आप वहाँ हुआ? हमारी बहन के 6 साल पहले शादी हुई, वो सब परेशान कर रख रहा, मारपीट कर रख रहे, महीनों महीनों हमारी बहन हमारी घर रखा कर रही, दवाई गोली भी हम ही करा करे। कितने साल शादी के हुए? 6 साल हो गए, तो सब चीज वही करा करे हम ही करा करे, वो तो कुछ करा करे ना है। अब कल हमारे पास फोन आता हमारी बहन का, भैया मैं आऊंगी घर को, बदतमीजपन कर रहे हैं, कमाने वमाने जाते ना और मारपीट कर रहे हैं, मन के चल मैं कल आ जाऊंगा, मैं नू ना पाया, मैं दिल्ली आ, सुबह मेरे पास फोन आता तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, फिर मेरे पास दरोगा साहब का फोन आता कि तुम्हारी बहन की बहन खत्म होगी तुम यहाँ पे आ जाओ, हमारी बहन खत्म होगी 4 बजे और इन्होंने हमें बॉडी मतलब हमें बताया ना, सूचना दी ना हमें 7 बजे सुबह 7 बजे हाँ, और अभी हमने देखा इन्होंने कुछ खिला के उसे फांसी पे टांग दी। टांगी जब भी घर पे जा करा, कभी कुछ सामान लिया करा, कभी पैसे लिया करा, उनका इनके घर में नॉर्मल ये कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने का। इनों के घर में सबसे पहले एक भैया ने फांसी लगा रखी है, वो आरिफ से मिली हुई थी, हमारा जो बहन हुई था ना वो मतलब भाभी देवर मिले हुए थे, जो छोटा देवर था वो परेशान करता। अरे यही है भाई का मतलब है, इनके भाभी के देवर से संबंध है, देवर है ये भाई साहब, तंग कर रखे ये भाई साहब, बयान हुआ है नशा करते हैं ये देवर है मालूम कर लो। आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी मैं क्या बोलूं आपको, देखो ये अपनी देख ले, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, आप पे इल्जाम लगा रहे हैं? नो सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता जी। और बताएं आप, और क्या ये तंग कर रख रहे हैं हमारी बहनों को, तंग कर रख रहे हैं ये, इन्होंने सबसे पहले एक लड़की मार रखी, आप लोग इन्हों कह रहे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। इनके घर से और कोई आया? खाली यही है इनके घर से कोई भी ना आया, जब वहां से हम बॉडी लेकर आए हम खुद आए, जब पोस्ट मार्टम मतलब जब हम पोस्ट मार्टम पे छोटे हाथी में आए, मैं बाइक से आया था, मैं बाइक वहीं छोड़ कर आया हूँ अपनी, और मैं छोटे हाथी में बैठ के मैं आया हूँ, इनके घर से कोई नहीं आया। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम क्या मांग कर रहे हैं, जिनने जैसा करा उसे सजा मिलनी चाहिए। किस किस को सजा मिलनी चाहिए? जो गैर संबंध है जिसके उसको सजा मिलनी चाहिए, इनकी आरिफ की भाभी को, आरिफ के भैया को, इनके देवर को, सबको सजा मिलनी चाहिए, जैसा हमारे साथ हुआ किसी के साथ ना हो। जी भाई साहब आप कुछ कहना चाहते हैं इनके साथ? मैं जो मेरठ से आया हूँ और मैं इनके साथ हमदर्दी की बतौर आया हूँ, एक समाज में हमारे बहुत गलत काम हुआ है, जो भी ये मर्डर हो रहा है या जो भी हो रहा है, इस तरह की ये घटनाएं रुकनी चाहिए हमारे बिहार के अंदर, और मैं जो भी दोषी है उसके जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसके कानून के हिसाब से, जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से कानून कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से आज ये कानून की मदद ले रहे हैं लड़की वाले, इसी तरीके से एंड तक कानून की मदद लेनी चाहिए, समाज के हिसाब से फैसला ना करें, कानून के हिसाब से रिपोर्ट हो रही है तो कानून के हिसाब से फैसला होना चाहिए, हमारा बस यही कहना है, और हम कानून का सम्मान करना चाहते हैं। मुलजिम को सजा होनी चाहिए जो उसको वो है मतलब जो उसने जुर्म किया है, जो भी दोषी है उनको सजा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक सजा नहीं होगी। हाँ इनको मुलजिम को सजा होनी चाहिए, इन्होंने गलत काम किया है, लड़की को मारा है इन्होंने, ये किसी गरीब की बेटी को, ये उसका माल नहीं है, तो आप उसको टॉर्चर कर करके हर बार के ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सामान नहीं दे सकता, सामने वाला बेचारा ठेले लगा के बिरयानी बेचने वाला आदमी है, क्या देगा दौलत, और उन्होंने अपनी बेटी दे दी, उन्होंने सब कुछ दे दिया, फिर ये लोग अब नहीं दिया गया तो लड़की को मार दिया। दहेज की मांग पे लड़की को मार दिया, मांगती खूब मांगती, एक थोड़ी दबद हुई नहीं, जब भी लड़की जाती है जब कहते थे कि लड़की ऐसा था बिना माल के निकाह करा था, तो इस चक्कर में ये लोग कहते थे कि हर बार कि हमें माल दो हमें माल दो, अब इन पर विचारों पर नहीं था माल देने का जुगाड़, जो थोड़ा बहुत होता था वो देते थे, अब इन लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो पूरा
अब के लेगा लड़की ने कहा भी तो जब देने लायक नहीं है तो कहाँ से थे, तो गरीब आदमी कहाँ से थे बेचारे, जब उन्होंने अपनी लड़की दे दी थी तो इसकी बात खत्म होनी थी, बाकी इन्होंने मार दी थी लड़की को, ये गलत क्या है। जो संज्ञान में मामला आया है, देश हत्या का मामला संज्ञान में आया है, दूसरी बात यह है जो भी कोई अपराधी है, अपराध इतना बड़ा है जिसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती है। अपराध जो है जघन्य अपराधों में आता है, जो है जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है। इसमें जिसने भी ये अपराध किया है, जिन लोगों ने भी मिलजुल कर ये अपराध किया है, जो भी साजिश में शामिल है उन्हें सजा होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जब एक समाज में मैसेज जाएगा सुधार का, ये बहुत मैसेज गलत जा रहे हैं, किसी की भी बेटी को मारने का, किसी की भी बहन बेटी को मारने का बहुत ही गलत काम है, जघन्य अपराध है। किसी की बात नहीं बननी है, चार आदमी में बैठ कर सुलझा लेनी चाहिए, उसे निपटा लेनी चाहिए, ये ना हो कि कोई भी किसी की बहन बेटी को मारे, ये बहुत गलत चीज है। जैसा कि अभी आपने सुना, लड़की के भाई को सुना, पड़ोसियों को सुना, और यहाँ कुछ वरिष्ठ समाज सेवी आए हुए हैं समाज के, जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं मुलजिमों के लिए और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ मेरठ मेडिकल से मैं साद मलिक, और आप देख रहे थे NCR समाचार।